चलो गाइस देखते हैं आज लिफ्ट कैसे बनाते हैं। तो लिफ्ट बनाने के लिए पहले क्या करें हैं हम लोग यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे प्लेन ले लिया। पे प्लेन लेके इसमें सेगमेंट अच्छा खासा देना है, अच्छा खासा मतलब कि मुझे बैंड में दिखाना था। मैंने यहाँ पे क्या 20 टैब 20 कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। लिफ्ट के कुछ मैं अगर यहाँ पे कहूँ रेफरेंस है, कुछ टेक्स्चर ले लेना वो दिखाता हूँ आपको। जैसे एम्प्रेस किया, दो टाइप से चीज़ों को दिखाने वाला हूँ। पे स्टैंडर्ड में कैसे डिफ्यूज पे गए, क्लिक किया बिट मैप, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, इसमें लिफ्ट लिया यहाँ पे, ठीक है, असाइन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। लिफ्ट ऐसा कुछ आ रहा है, स्ट्रेच टाइप से आ रहा है। आप यहाँ पे चाहो तो इसको 800 स्केल ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ से UW मैप भी डाल सकते हो। UW मैप होता है यहाँ पे, UW मैप, ठीक है। यहाँ पे मैप डाल दिया, मैप में आपको क्या लेना है, प्लेन लेना है, ठीक है। यहाँ पे प्लेन या बॉक्स आप यूज़ कर सकते हो, बाई डिफॉल्ट प्लेन होता है यहाँ पे भी। मैंने इतने सेगमेंट क्यों लिया वो भी दिखाता हूँ। इससे पहले हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे होता है ऑपेसिटी। ऑपेसिटी पे गए, बिट मैप में यहाँ पे जाकर क्लिक किया मैंने, यहाँ पे ये ऑपोसिटी ब्लैक एंड व्हाइट यहाँ का पार्ट आपको देखें यहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट एंड क्यू करके रेंडर करो तो आपको रेंडर भी ये देखेगा। आप चाहो तो इसका अल्फा भी क्रॉस चेक करो, अल्फा यहाँ पे देखेगा, ठीक है। मॉडल मुझे ऐसा दिख रहा है लेकिन यहाँ पे रेंडर में कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, ठीक है। अभी क्या करना है, लिफ्ट को मुझे थोड़ा सा चेंजेस भी देना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बैंड यूज़ करता हूँ। बैंड यूज़ किया, बैंड यूज़ करने के बाद मैं यहाँ पे कैसे क्या काम करता हूँ, यहाँ पे देखो एंगल है मेरे पास, यहाँ पे ये देखो ये एंगल इस पर जा रहा है, इस पर जा रहा है, ठीक है। हल्का सा मैंने ऐसा बैंड कर दिया, ये अच्छा लगेगा। मैंने एक और बैंड लेना है, एक और बैंड लेता हूँ, बैंड लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ से मैं फिर से मैं एंगल में घुमा रहा हूँ, ये देखो ऐसे घूम रहा है ना यहाँ पे। मुझे एक्सिस चेंज करना है, देखो एक्सिस कैसे चेंज हो रहा है, यहाँ से यहाँ पर हो रहा है, नहीं मुझे इधर नहीं चाहिए, इस टाइप से चाहिए। अभी मैं इसको यहाँ पर रोटेशन दे सकता हूँ, क्या रोटेशन पे गए, एंगल यहाँ पे गए, सिंपल मैंने एंगल कर दिया 90, देखो ठीक है। यहाँ पे ये एंगल मैंने चेंज किया, एंगल चेंज करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसको मैं इधर मूव करूँगा यहाँ पे, ठीक है। एक एंगल में ये झुकेगा, यहाँ पे मैं ऐसे करके भी यहाँ पे जो होता है बैंड कर देता हूँ। तो मुझे बैंड करते यहाँ पे, अभी ये लुक कैसे दे सकते हैं यहाँ पे, F3 और F4 ये रखा यहाँ पे। मैंने ऐसे कुछ किया तो मैं इस टाइप से मैं चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ। मैं सिंपल लीफ को ऐसे कुछ करके दिखा सकता हूँ। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, टॉप लेवल, बाहर निकलते हैं यहाँ पे, ठीक है। फ्रंट पे गए, लेफ्ट पे गए, ठीक है। F3 यहाँ पे देखा हमें, अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, इसके पावर को चेंज कर लिया, अफेक्ट पावर यहाँ से मैंने चेंज करके यहाँ से यहाँ पे लेके आ गया, ठीक है। अभी मैं अभी क्या पावर ऑफ कर देता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके, ठीक है। नंबर ऑफ कॉपी मैंने यहाँ पे क्या लिया, ये 3 कर देता हूँ, देखा इस टाइप से चीज़ें मेरे पास आ जाएंगे फिर, ओके। मैंने यहाँ पे क्या क्या सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, एंड सेफ, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रोटेशन दे देता हूँ, रोटेशन यहाँ पे क्या ये आ जा, रोटेशन आ रहे हैं देखो, ये 90 भी है। मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका थोड़ा सा रोटेशन को एंगल ऑन ऑफ कर देता हूँ, ऐसा कुछ कर दिया। अभी देखो यहाँ पे ऐसे करके एक चीज़ को हम लोग मैनेज कर सकते हैं कि मुझे अगर लीफ ऐसे दिखाना था ऐसा कर सकते हैं। चलिए ये तो हमने देखा, इसमें नॉर्मल हम लोग देखते हैं वीडियो में भी है मेरे पास। वीडियो के अंदर ये मटेरियल कैसे दिखता है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे वीडियो में मैंने क्या कर रखा है यहाँ पे, वीडियो के अंदर जैसे यहाँ पे मैंने क्या, वीडियो स्टैंडर्ड पे गए, यहाँ पे वीडियो मटेरियल मिलता है, ऐसे ऑन करना पड़ता है वीडियो, ठीक है। रेंडर सेटिंग भी गए और यहाँ पे मैंने क्या क्या, असाइन रेंडर, ठीक है, कहाँ गया बस, रेंडर 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 यहाँ से कर लो वीडियो, ठीक है। वीडियो भी क्या, तो वीडियो मटेरियल मेरे पास यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, वीडियो मटेरियल यहाँ पे ले सकता हूँ। वीडियो मटेरियल, वीडियो मटेरियल में भी हमें चीज़ को ऐसे यूज़ करना है। अब इसमें देखो इसमें चीज़ें कैसी होती है, जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ ये भी है, और इसके अंदर मैं अगर डिफ्यूज़ मैंने यहाँ पे लिया तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बिट मैप पे गए, बिट मैप पे जाकर मैंने यहाँ पे क्लिप ले लिया, ठीक है, ये लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने ऊपर वाले पे जाकर यहाँ पे मैंने असाइन कर दिया, देखना है ये पार्ट। अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन का थोड़ा सा प्ले करो तो आपको पता चलेगा यहाँ पे मुझे कैसे करना है। कि अगर मैं यहाँ पे मैं काम करता हूँ बिट मैप पे गया तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑपोसिटी लिया पे ये देखा, ठीक है। अभी ये चीज़ को मुझे यहाँ पे थोड़ा सा प्ले करना पड़ता है, जैसे यहाँ पे कैसे पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। तो मैं ऐसे थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ कि मुझे यहाँ पे अगर मैप देना है मैप दे सकता हूँ। अभी देखो यहाँ पे मैं इसमें भी दिखाता हूँ, इसमें देखो इसमें कैसा है, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, मॉडल को सिलेक्ट किया यहाँ पे, देखो यहाँ पे कुछ मॉडल इस टाइप से भी बनाते हैं। जैसे मान लो हमने सेम चीज़ को मैंने ट्रेस कर लिया, ट्रेस कर लिया मतलब कि मैंने मॉडल इसी के अकॉर्डिंग मैंने बना लिया। ऐसे भी काम करते हैं कि ए टू जेड प्लेन से हम लोग यहाँ पे ऐसे भी एक ऑप्शन ये भी लेके चलते हैं। प्रेस किया मैंने, हम पिकर से पिक कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक
अभी इसमें भी दो ऑप्शन दे रखे देखो, दो ऑप्शन में क्या है, जैसे यहाँ पे देखो फ्रंट मटेरियल है, फ्रंट मटेरियल में क्या हम लोग यहाँ पे तो फ्रंट में क्या दे रखा है, डिफ्यूज में मैप दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ देखो डिफ्यूज में मैप दिया है यहाँ पे, और इसमें रिफ्लेक्शन में दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ देखो रिफ्लेक्शन में मैप दे रखा है, रिफ्लेक्शन का मैप अलग है, ये ध्यान देना है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ मैप दिया हुआ है, ठीक है, रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस में भी एक मैप दिया हुआ है, ये देखो। तो इन सब चीज़ों को जब यूज़ करोगे तो आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा, अच्छा ऐसे कुछ हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, और चीज़ें मिलेंगे यहाँ पे क्या, ठीक है। लीफ के अंदर और भी चीज़ जैसे ट्रांसलूसेंट है, ट्रांसलूसेंट क्या करता है, जब हल्का सा इम्पैक्ट जो होता है ना लाइट पेनिट्रेट करने के लिए हम लोग ट्रांसलूसेंट का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो मैप कितने यूज़ किया, एक चीज़ को बनाने में कितना मेथड है, देखो यहाँ पे ट्रांसलूसेंट है, बम्प में दे रखा है, ये बम्प दिख रहा है, बम्प में आपको मैप यहाँ पे गिवन है, बम्प में ये नॉर्मल हमने जो जनरेट कर रखा हुआ है। उसके बाद आपको ये मिलता है, एक ऑपेसिटी भी मिलता है, ऑपेसिटी है मेरे पास यहाँ पे, ऑपेसिटी मैप में जाकर ये मैप यूज किया। तो इतने सारी चीज़ों को यूज़ करने के बाद एक आउटपुट निकल कर रहा है, जैसे देखो यहाँ पे एक नॉर्मल आउटपुट के लिए ये पार्ट है, ठीक है, यहाँ देखो ठीक है आपके पास कैसे आ रहे हैं ये, इसका इम्पैक्ट, तो ऐसे भी चीज़ को यूज़ करके निकाला जा सकता है कि कैसे हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे मेरे पास। अभी देखो जो नॉर्मल रेंडर इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें गामा मैनेज क्या होता है, तो इसमें ये चीज़ बहुत बेटर नहीं दिखती क्या यहाँ पे, तो इन चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं वो भी हम लोग देखते हैं, कैसे क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे। देखो अभी हम लोग यहाँ पे गए, यहाँ पे मैप्स मेरे पास यहाँ पे है, तो यहाँ से मैप्स में जाके यहाँ पे मेरे ऑपोसिटी मैप है, यहाँ पे गए बिट मैप पे गए, ये लिया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट मुझे यहाँ पे दिखेगा, ठीक है यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पे। इसके साथ मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, लाइक मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्शन की जगह मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिफ्लेक्शन में डालना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे डाल दिया, लेकिन यहाँ पे मैप मुझे चेंज करना पड़ेगा, कौन सा चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे मैप्स यहाँ पे। अभी रिफ्लेक्शन में ऐसा मैप क्यों डालते हैं, ये थोड़ा सा बम्प टाइप से यहाँ पे चीज़ को मैनेज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे रिफ्लेक्शन है ना यहाँ पे, ये पार्ट आपको ऐसा कुछ दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, देख रहे अभी ऑपेसिटी के साथ। फिर इसके अंदर कुछ एक पैरामीटर होते हैं जिनको हम लोग थोड़ा सा प्ले करते हैं, वो देखो प्ले वाला पार्ट मैंने यहाँ पे एड ऑन करके रखा हुआ है यहाँ पे, ग्लॉसनेस क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन यहाँ पे, फ्रेशनर ऑन किया मैंने यहाँ पे, फ्रेशनर ऑन करने के बाद देखो कैसे दिखा है यहाँ पे, ये भी ध्यान देना क्या, ठीक है। जैसे मैंने एम्प्रेस किया, देखो यहाँ पे मैं एम्प्रेस करता हूँ, मेरे पास एम्प्रेस में मेरे पास मटेरियल आ जाता है, मैं पिकर से पिक कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ देखो ऊपर से क्या एक उस पर वाटर ड्रॉप का भी मटेरियल दे रखा है, तो वाटर ड्रॉप का मटेरियल कैसा है, डिफ्यूज में आपका स्टेप से 128, रिफ्लेक्शन में देखो रिफ्लेक्शन में कितना है 243, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों में दोनों को वाइट किया, तो आपका ये वाटर का इम्पैक्ट यहाँ पे आ जाता है क्या। इसमें आई ओर डालना मत भूलना, आई ओर में क्या होता है 1.33, ये आई ओर होता है, आई ओर मतलब कि इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जब तक चेंज नहीं करोगे, देखो आपका क्या होता है, आपको वाटर के लिए 1.33 होता है, ग्लास के लिए 1.55 होता है, जैसे देखो यहाँ पे ये मेरे पास मटेरियल है, ये ग्लास का है, दोनों में क्या डिफरेंस है देखो आप कलर, ठीक है, डिफ्यूज में रिफ्लेक्शन में, रिफ्लेक्शन में मैप भी कुछ डालने की कोशिश की है, लेकिन देखो रिफ्लेक्शन ग्लॉसनेस है, फ्रेशनल है, फ्रेशनल लिखना है, ये एंगल डिपेंडेंट है, एंगल के अकॉर्डिंग काम होता है। अभी इस रेंडर में देखो हल्का सा ग्रीनिश लुक एंड फील आ रहा है ना, ये कैसा आ रहा है, इसके अंदर हम लोग डालते हैं फॉग कलर, जब तक ये फॉग कलर नहीं डालेंगे ये इम्पैक्ट नहीं आएगा, फॉग कलर एंड एग्जिट कलर यहाँ पे देखना है। तो इसको जो मटेरियल है इस मटेरियल को एक बार देख के स्टडी करके एक बार ट्राई करोगे, किसी ऑब्जेक्ट को बना के उसमें एक बार ट्राई करोगे तो वो चीज़ आपको दिखेगा क्या, कि मान लो अगर मैं यहाँ पे कोई भी मैं काम करता हूँ तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, किस टाइप से चीज़ों को दिखाना है, वो कैसे काम करने वाला है, ठीक है। रिफ्लेक्शन में देखो रिफ्लेक्शन मैप का यूज़ किया हुआ है, ये मैप ऐसे यूज़ किया जो होता है थोड़ा सा लाइक वाइटिस सा पुराना जैसा कुछ हल्का सा, वैसे भी मैप यूज़ किया गया है, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पे यूज़ किया रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन ग्लॉसनेस है, यहाँ पे देखो वही मैप यूज़ कर रखा है यहाँ पे, एंड देन ये पूरा पार्ट यहाँ से देखोगे तो ये भी पार्ट आपका ऐसे कुछ यूज़ कर रखा है, तो इसी का तो थोड़ा सा इम्पैक्ट बेटर आता है, नीट एंड क्लीन ग्लास नहीं आता है। अभी मैं आपको जैसे यहाँ पे दिखाऊँ कि मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा मैं छोटा सा काम करता हूँ यहाँ पे, मैंने क्या किया चलो अभी यहाँ पे मैंने क्या मॉडल लिया है मैंने, अब देखो मॉडल में बस कैसे यहाँ पे अगर मैं इस वाले मॉडल को पकड़ता हूँ यहाँ पे मैंने क्या क्या ऑल डब्ल्यू यहाँ पे, ठीक है ऑल डब्ल्यू यहाँ पे क्या, ठीक है परस्पेक्टिव में क्या यहाँ पे जेड, ठीक है यहाँ पे सेगमेंट्स मैंने यहाँ पे कर रखा है, मैंने कर दिया 360 यहाँ पे बस है यहाँ पे,
अभी इसको मैं पे क्या करने वाला हूँ, मैंने अगर ये मटेरियल अप्लाई किया ये वाला मटेरियल, तो यहाँ पे इम्पैक्ट आपको दिखेगा। ठीक है, अभी मैं पे क्या करता हूँ, जस्ट मैंने यहाँ पे फॉर ए टाइमिंग इसको मैंने सेट किया कि भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना, तो ऐसी चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, कि कैसे मैं चीज़ को मैनेज करना है, किस तरह चीज़ को फुलफिल करना है, तो मैं ऐसी चीज़ को दिखा सकता हूँ कि भाई चलो ऐसा कुछ काम करना है तो मैं कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे सीन को मैनेज करते वक्त मुझे ध्यान क्या देना होता है, सीन को मैनेज करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे शेप में बस दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक ऑन एड ऑल, ये देखो मैं स्लो मॉडल यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट दिख रहा है बस यहाँ पे, ये मॉडल यहाँ पे देखो, मॉडल यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऐसे चीज़ को बनाया। अभी लाइट को तो समझना, लाइट में है क्या, लाइट को कैसे रखा गया, लाइट की पोजिशन देखो यहाँ पे। पहले मैंने यहाँ पे कैमरा यहाँ पे रखा हुआ है, C4 कैमरा, कैमरा में बस यहाँ पे लेकर यहाँ पे मैंने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, C4 कैमरा यहाँ पे मैंने कैमरा यहाँ पे रख दिया। ठीक है, कैमरा मेरे पास यहाँ पे है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया कि अभी मुझे यहाँ पे जो काम करना है, इस काम करने के लिए मैं पे क्या इम्पैक्ट देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अभी इसमें देखो, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे मैंने भी एक रेंडर किया है, तो कि लीफ का रेंडर करना था। कैमरे वाला सेटिंग में भी आप यहाँ पे चीज़ को मैनेज कर सकते हो अपने यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लीफ मैंने चेंज किया, लीफ चेंज करना, तो यहाँ पे सिंपल मैंने लीफ का एक रेंडर किया। यहाँ पे लीफ को देखो तो बहुत अच्छा रेंडर आएगा, तो रेंडर हो रहा है तब तक वेट करते हैं। अभी देखो, ये हमारा प्रॉपर लीफ का एक आउटपुट यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो मैं इसे अगर यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे कैसे काम कर सकते हैं, अभी एक बार मैं सेव कर लेते हैं यहाँ पर। लीफ एंड टैब एंड जेपैक। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे जो लाइट की सेटिंग है, लाइट की सेटिंग को समझना है यहाँ पे, मैं लाइट का सेटिंग कैसे समझ, जैसे यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, प्लस ऑफ पर्सपेक्टिव, अरे सॉरी यहाँ पे मैं गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, नहीं देखो लाइट को समझो, देखो पहले मेरे पास कैमरा है, जब भी हम लोग किसी प्रोडक्ट को दिखाते हैं, प्रोडक्ट को दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो ये प्रोडक्ट मेरे पास यहाँ पे कैमरे के सामने यहाँ पे। ठीक है, अभी इसके बाद क्या करना है, मुझे यहाँ पे जो लाइट को लगाना है, एक लाइट हम लोग इस डायरेक्शन देते हैं, देखो लाइट का डायरेक्शन, देखो यहाँ पे लाइट का डायरेक्शन क्या, जैसे ये लाइट है मेरे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लाइट को स्विच किया यहाँ पे, लाइट को देखो ऐसे ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, इस लाइट को स्विच करके मैं यहाँ पे सिंपल सा पार्ट यहाँ पे दिखाऊंगा कि लाइट यहाँ पे है। ठीक है, एक लाइट हमने यहाँ पे लगाया, लाइट लगाने में यहाँ पे देखो साइज थोड़ा सा ध्यान रखना, मल्टीप्लाई देखा, मल्टीप्लाई कितना है, 540 है, मतलब कैमरे के साथ यहाँ पे एडजस्ट किया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आप अपने नीड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे दूसरी लाइट को मैंने सेलेक्ट किया, दूसरी लाइट में कितना 100 है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसको मैं सेलेक्ट किया, यहाँ पे कितना 120 है, तो ये एक नीड के अकॉर्डिंग शो को देते ताकि इसका स्पेक्युलर मेंटेन है। ऊपर देखो यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे क्या काम किया, जैसे मैं आपको बताता, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे मेरे यहाँ पर चीज़ें हैं नॉर्मली, अभी ये चीज़ मैं कैसे करने वाला हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी चीज़ को मैंने बनाया यहाँ पे, देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पे क्या काम किया, यहाँ पे सिंपल द पार्ट मैंने एक टीपॉट ले लिया यहाँ पे। ठीक है, टीपॉट लिया, यहाँ पे मैंने रेडियस एंड सेगमेंट्स यहाँ पे मैं फुलफिल कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद मैंने एक नीचे प्लेन लेता हूँ यहाँ पे, प्लेन मेरे पास है यहाँ पे। ठीक है, आर फॉर स्केल, मैंने यहाँ पे क्या किया, कैमरा लगाया यहाँ पे। ठीक है, कैमरा लगाने का मतलब यहाँ पे मैंने सिंपल सा पार्ट इस चीज़ को मैंने ऐड ऑन कर दिया, इनको सेलेक्ट करके यहाँ पे डिसलेक्ट कर दिया इसको, और मैं ऊपर कर दिया, चलो इसको रखते हैं ऊपर फॉर टाइम भी। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं अगर मैं ग्लास बना रहा हूँ, तो ग्लास बनाने के लिए भी क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, एम्प्रेस कर दिया यहाँ पे। ग्लास बनाने के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया, वीरे 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 मटेरियल पे गए, वीरे मटेरियल पे जाने के बाद यहाँ पे क्या किया, रिफ्लेक्शन कर दिया वाइट। ठीक है, इसका मैंने कर दिया वाइट। ओके, ठीक है, ये पार्ट आपको बैकग्राउंड में आ जाएगा आपका, यहाँ पे सेलेक्ट किया आपने, असाइन कर दिया आपने यहाँ पे, नीचे वाले को सेलेक्ट कर दिया मैंने, वीडियो मटेरियल असाइन कर दिया। ठीक है, वीडियो मटेरियल क्या है, बस यहाँ पे सिंपल वीडियो मटेरियल, यहाँ पे स्टैंडर्ड पे गए वीडियो मटेरियल। ठीक है, अभी देखो अगर मुझे इस चीज़ को दिखाना है, मैं इसको फॉर टाइमिंग हाई कर देता हूँ, यहाँ पे मैं जाके कैमरा लगा सकता हूँ। ठीक है, ये कंट्रोल सी कर दिया, कैमरा लगा दिया मैंने यहाँ पे। फिर मुझे लाइट लगाना, लाइट कैसे लगाऊंगा, लाइट को लगाने का प्रोसेस वहाँ पे यहाँ पे थोड़ा आइडिया मिलना चाहिए। यहाँ पे लाइट लिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑटोमेटिक में गए स्टैंडर्ड वीरे वीरे वे लाइट, मैंने ऐसे कुछ कर दिया आपके। देखो तो लाइट को मैं कैमरे के जस्ट एंगल वाइज, ठीक है, देखो यहाँ पे चीज़ें हैं कैसे, यहाँ पे मैं टारगेट ना, टारगेट भी है मेरे पास यहाँ पे, टारगेट मैंने क्या देखा, टारगेट देखा यहाँ पे, टारगेट के अकॉर्डिंग ऐसे भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। एक पार्ट मैंने ऐसा कुछ किया, तो एक एक लाइट को इम्पैक्ट मैं यहाँ पे देखूँगा, यहाँ पे देख रहे हैं कैसे इम्पैक्ट आ रहा है, लाइट का इम्पैक्ट कैसे दिया। ठीक है, यहाँ पे लाइट का इम्पैक्ट देने के बाद मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ, तो मैं लाइट का इम्पैक्ट ये किया, सेफ स्टैंड क्लिक यहाँ पे मैंने किया, यहाँ पे ये पार्ट में बस ऐसा आ रहा है। ठीक है, और देन ये पार्ट मुझे ऐसे कॉपी करके लगा सकते हैं यहाँ पे, और इसके बाद मैंने सेफ स्टैंड कॉपी करके यहाँ पे लगा दिया यहाँ पे। ठीक है,
अभी यहाँ से चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ, बस ये देखना है कैसे चीज़ें हैं, बस ये देखा यहाँ क्रॉस चेक कर, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, मैं यहाँ पे इम्पैक्ट क्या देखा है, अभी मैंने यहाँ पे सबका रेंडर लगा रहा था, यहाँ पे चीज़ है कि मैंने रेंडर किया, लाइट मैंने लगाया, लाइट का इंटेंसिटी मुझे कंट्रोल करना पड़ता है, इंटेंसिटी जैसे यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर मैं किस टाइप से काम कर रहा हूँ, तो सीन के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे ये मेरे पास कैमरा है, कैमरे में यहाँ पे देखो फिजिकल कैमरे में यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, मैं यहाँ चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ, अभी इसके अकॉर्डिंग मैं चीज़ों को अपने नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं मैनेज करूँगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कर दिया, जैसे इसको मैंने कर दिया 10 कर दिया यहाँ पे, ठीक है, 10 इसको कर दिया, इसको मैंने कर दिया 5 कर दिया यहाँ पे, ठीक है, इंटेंसिटी लाइक की फील वाला पार्ट हम लोग करते हैं, यहाँ पे मैंने कर दिया 10 कर दिया यहाँ पे, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया 5 कर दिया, तो ये रेशियो मैंने मेंटेन किया और मैं रेंडर करना पड़ रहा, तो चीज़ें मेरे पास दिख रही है यहाँ पे, लाइट का रिफ्लेक्शन भी दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे। अभी इसी के अंदर मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर मैं एम प्रेस करके देखा यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे क्या कैंसिल किया मैंने यहाँ पे स्केप, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया फॉक कलर, फॉक कलर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कलर यहाँ पे ये देखा, ठीक है, फॉक कलर है, एग्जिट कलर है, एग्जिट कलर भी मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया, ऐसे ये देखना, अभी ये यहाँ पे दोस्तों मैं मैनेज कर देता हूँ, ठीक है, अभी यहाँ से मैं चीज़ को मैं मैनेज करूँगा, देखो ये पार्ट मैंने यहाँ से ऑन किया, देन यहाँ पे मैं रेंडर करता हूँ, अभी जो मैंने मॉडल दिया इस मॉडल में थिकनेस नहीं है, थिकनेस मतलब क्या, अगर हम लोग ग्लास बनाते हैं तो ग्लास में थिकनेस की नीड होती है, यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे क्या बॉडी है, मेरे पास बॉडी चाहिए, ये मैंने ऑफ कर दिया, ये आउट ऑफ कर दिया, लेट ऑफ कर दिया यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे सेल कर दिया, सेल करोगे तो यहाँ पे थिकनेस थोड़ा सा देखेगा आप, यहाँ पे अभी सेल करने के बाद अगर आप यहाँ पे रेंडर करो तो आप यहाँ पे देखो चाहिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा अलग लुक एंड फील देगा, कि सेल का इम्पैक्ट आपके पास कैसे आ रहा है, ठीक है, और चीज़ों को कैसे मैनेज कर पा रहे हैं, तो इसके बाद हम लोग प्ले करेंगे यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे कैसे क्या काम करना है, ठीक है, और जिस टाइप से मैं अमाउंट बढ़ाऊंगा यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे देखना यहाँ पे फ्रेशनल है, फ्रेशनल देखो, फ्रेशनल एंड ये पूरा पार्ट, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया ब्लैक की तरफ लेके, यहाँ पे रिफ्लेक्शन को मैं यहाँ पे वाइट की तरफ रखूंगा, ठीक है, एंड देख रहे आपके पास यहाँ पे, तो इन चीज़ों को मैं यहाँ पे थोड़ा मैं मैनेज करूँ, फॉग मल्टीप्लायर कितना करना है, ये मल्टीप्लायर मैं यहाँ पे बढ़ा के देखूँ यहाँ पे कि कैसे मुझे प्ले करना है, तो ऐसे चीज़ों को मैं प्ले करके एड ऑन करके देख सकता हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे चीज़ों को मैंने मैनेज किया, मैनेज किस पे किया, नीचे वाले प्लेन पे, नीचे वाले प्लेन दिख रहा है यहाँ पे, नीचे वाले प्लेन पे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मैनेज कर दिया भाई, यहाँ पे मैंने रिफ्लेक्शन और ये सब कर दिया यहाँ पे, इसके बाद मैं इस पर भी आता हूँ, फॉक कलर ग्लास वाले पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता हूँ, बिल्कुल, तो अभी आप यहाँ पे रेंडर करके देखो, देख रहे हैं ग्रीनिश इम्पैक्ट आ रहा है यहाँ पे, वो इम्पैक्ट आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, तो ये चीज़ को आपको मैनेज करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, कि मैं अगर यहाँ पे मैंने इसमें काम किया तो मैंने हल्का सा यहाँ पे, ठीक है, डिफ्यूज़ को मैंने कर दिया यहाँ पे ब्लैक, और ये कभी यहाँ पे एग्जिट कलर दिख रहा है, यहाँ पे एग्जिट कलर ऑन करके यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे आप यहाँ पे कुछ चीज़ को मैनेज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ से देखो एग्जिट कलर को मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे मुझे फॉग मल्टीप्लायर कितना चाहिए, देखो यहाँ पे, यहाँ पे इम्पैक्ट कैसे दिख रहा था, आप यहाँ पे चीज़ को देख सकते हैं कुछ, तो आपको यहाँ पे देखो कैसे किस टाइप से पार्ट आ रहा है, अभी यहाँ पे देखो पूरा प्रॉपर रिफ्लेक्शन नीचे आ रहा है, रिफ्लेक्शन नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसमें चीज़ को मैनेज कर रखा है यहाँ पे, अभी यहाँ देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, इस वाले पार्ट में आकर मैंने रिफ्लेक्शन को क्या कर दिया, कम कर दिया, कम करने का मतलब यहाँ पे ये ऐसा कुछ दिखे बहुत ज़्यादा नहीं, कम दिखे, देखो ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मैंने यहाँ पे चीज़ को मैनेज किया कि भाई मुझे रिफ्लेक्शन कम दिख रहा है, ठीक है, और मैं यहाँ पे चीज़ को मैं मैनेज कर पा रहा हूँ यहाँ पे, तो और कम किया मैंने यहाँ पर, इस बार के अंदर मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे जो कलर है कलर ज़्यादा दिख रहा है तो मैं कलर का कम करता पे, ठीक है, अब ये 0.1 किया, अभी 0.1 करने में कितना आ रहा है, काम देखिएगा आप, ठीक है, इन्वायरमेंट कैसे, मेरे पास इन्वायरमेंट जैसा है मेरे पास वैसे ही ग्लास इम्पैक्ट भी दिखेगा आप लोग, इन्वायरमेंट वैसे ब्लैक है तो ब्लैक ही दिखने वाला है, ठीक है, मैंने 8 प्रेस किया, मैंने इन्वायरमेंट को क्या किया चेंज किया, मैंने हल्का सा ग्रे कर दिया, देखिएगा आप ऐसा कुछ, तो जैसा इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मुझे मैनेज करना है, स्विफ्ट है, स्विफ्ट फ्रेम किया मैंने यहाँ पे, ऐसे मैं थोड़ा सा जूम कर लूँगा यहाँ पे, देखा पे ऐसे करके आप थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, ठीक है, ग्लास का कलर कैसे चेंज करना वो पता चल जाएगा यहाँ पे, ओके, फॉग हम लोग मल्टीप्लायर देख पाते हैं, जितना मैं मल्टीप्लायर बढ़ाऊंगा आपको उतना इम्पैक्ट वहाँ पे देखेगा यहाँ पे, ठीक है, ये एक चीज़ और ध्यान देना, अगर आपका मॉडल ठीक नहीं है तो वो चीज़ भी आपको बहुत बेटर नहीं देखने वाला, जैसे सेल है, सेल में थिकनेस है ना आपके पास यहाँ पे, सेल में जो थिकनेस हमने दिया है, अब ये देखो ये अगर मैं यहाँ पर रेंडर करता हूँ यहाँ पे रेंडर में थिकनेस के साथ ही जो इम्पैक्ट दिखता है, थिकनेस नहीं है तो आपका इम्पैक्ट बहुत बेटर नहीं दिखने वाला है आपको, इसी टाइप से चीज़ को हमने यहाँ पे मैनेज किया, यहाँ पे इन चीज़ को आप थोड़ा सा स्टडी करोगे आप यहाँ पे,
तो आपको यहाँ पे साइड में मिल जाएगा भाई कैसे क्या काम करते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे सी प्रेस कर दिया, यहाँ पे ये चेरी वाला अगर मैं यहाँ पे करते हैं, देखिए यहाँ पे किस स्ट्रेटजी को मैनेज कर रखा है, थोड़ा सा ऐसे स्टडी करोगे तो आपको यहाँ पे चीज़ देखेंगे अभी किस स्ट्रेटजी को मैनेज किया, प्रॉपर लाइट का सेटअप बनाया, लाइट का सेटअप किस पे लगाया है ये देखोगे आप यहाँ पे कि भाई लाइट का सेटअप कैसा है। ठीक है, और इस लाइट का सेटअप पूरा प्रॉपर टारगेट है इस पे, पीछे पे नहीं है, जो वर्ल्ड से इम्पैक्ट आ रहा है वो आपका लाइट का आ रहा है, जो मैंने आपको दिखाया था उसमें कि इसमें कैसे आ रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर वो चीज़ें हैं, इसको थोड़ा सा आपको देखना है, स्टडी करना है। चलिए रेंडर हो गया, ठीक है,